शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। घर में हो रहे तुम्हारे इस प्रेजेंटेशन की भी नस काटनी है। अरे देख क्या रहे हो, मारो मेरी नस काटने का वेट करोगे क्या? अब देखता हूँ कैसे होती है उर्वशी चौधरी की प्रेजेंटेशन। पागल हो क्या तुम? ये क्या कर रही थी? अभी अभी जल जाती तो। अरे पर ये अंग्रेजी बला कौन थमा गया हमका? ये चलती कैसे है? अरे हटो, हम बताते हैं। अरे ये तो स्टीम आयरन है, पर ये चालू काहे नहीं हो रही है? एक मिनट, का है ये? ये स्टीम आयरन। वो बटन दबा के देखो ना, वो तो तापमान बढ़ाने का बटन है। अरे एक बार करके तो देखो। अरे नहीं हो रही है ये चालू। अरे वो वाला अब फिर से टकराओ। नकचड़ी बिल्ली, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। ये जंगली बिलोटे, बड़े होकर वो काला कुत्ता नहीं काटता है का? हमका नहीं लेने 14 इंजेक्शन। टकराओ। अरे हम नहीं टकराएंगे। अरे टकराओ ना। हम नहीं टकराएंगे। भी ना कहना। हाँ हम आज भी इसे मानते हैं। हो गया कांड। का हुआ? अरे कांड हो गया। का हुआ? उर्वशी मैडम का तमाशा फिर से शुरू हो जाएगा। प्रेस कैसे करोगी? मैंने उर्वशी की स्टीम प्रेस खराब कर दी। अब ना बेचारी के पास प्रेस किए हुए कपड़े हैं, ना ही मॉडल। अब तो उसके हाथ से ये डील कई सब चुकी। अब आएगा मजा। अरे बला कौन सी है, इसे स्त्री कैसे होती है? हमका तो ये समझ में ही नहीं आया। ये स्टीम आयन कहते हैं इसे। इसमें पानी भरते हैं, उससे धुआं उठता है और फिर धुओं के साथ स्त्री होती है।
मिल गया तरीका, हम अभी आते हैं। एक मिनट। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? ये क्या आ गया ना? अभी बताते हैं। ये अपना उगाओ वाला नुस्खा है। क्या बात है गहना? आओ। अव्वल दर्जे की स्त्री। मान गए गहना, एक नंबर आइडिया लगाई हो। तुम्हारा भी दिमाग हमारे साथ रह रहकर तेज हो गया है। कुर्ते का बटन तो ढीला हो गया है, हम सुई धागे से इसे अभी ठीक कर देते हैं। गौरव, तुम इसे पहन लो ना, हम ये बटन ठीक कर देते हैं, टाक देते हैं थोड़ा। अरे हम कोनो बात नहीं, पहन लो। पहन लो। पहन लिए गौरव? हुई ना बात, एकदम हीरो लग रहे हो गौरव। तुम्हारे सामने तो ऋतिक रोशन वो भी फेल है। How dare you? समझते क्या हो तुम खुद को? 100 रुपए की शर्ट पहनने की औकात नहीं है तुम्हारी, और मेरा ये 50,000 का डिजाइनर कॉस्ट्यूम हाथ कैसे लगाया तुमने? पापा तुम्हें सड़क से उठा के इस घर में क्या ले आए? अपने फटी जेब की औकात भूल गए तो? बस मैडम जी, ये बात बात पर हमारी औकात पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। हमें हमारी हद और हैसियत दोनों अच्छी तरह से पता है। अगर हद पता होती तो ये बदतमीजी नहीं कर रहे होते तुम तो।
बदतमीजी की बात आप तो रहने ही दीजिए मैडम जी, इस घर में सबको पता है कि बदतमीज कौन है। तुम मुझे बदतमीज कह रहे हो? समझदार को इशारा काफी होता है मैडम जी। गौरव मेम साहब माफ कीजिए, हमने इनको कहा था कि ये कुर्ता पहन ले ताकि हम ये बटन जो तुम्हें कहा था कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ, तो क्यों लगाया तुमने? तुम्हें ना मैं मैडम जी आपकी स्त्री खराब हो गई थी, ये देखिए इसे। तो गैना ने अपने इस गांव के नुस्खे के साथ में आपके डिजाइनर कपड़ों पर प्रेस की है। एक्सक्यूज मी मैम, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल है। मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद तुम दोनों से निपटती हूँ मैं। मैम वो मॉडल को कॉल ट्राई किया बट अभी तक आया नहीं है। व्हाट? इतने अनप्रोफेशनल लोग, अब ये प्रेजेंटेशन कैसे होगा? तुम लोगों क्या होगा? आप लोग क्यों नहीं आना था क्या? नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, इनफैक्ट मैं आप लोग का ही वेट कर रही थी। आइए ना। What is this? अब ये प्रोजेक्ट गारंटेड फेल होगा, और अगर ये फेल नहीं होगा ना, हम इसे फेल करके रहेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। अब उर्वशी की बिल्कुल वैसे ही बेइज्जती होगी जैसे कि पापा जी रोज तुम्हारी करते हैं। अब ज्यादा आंखें मत टेरो और जाओ मॉडल को रूम में देख कर आओ, वो किसी भी कीमत पर रूम से बाहर नहीं आना चाहिए। जाओ गौरव की ना बात बात पे बड़ा चढ़ जाता, अभी उसे उसकी बचपन की चटपटी गोलियां खिलाएंगे ना, फौरन उसका मूड सही हो जाएगा। कैसी आवाज है? कौन है ये? ओह नो, ये गहना तो मॉडल की रूम की तरफ जा रही है, ये उसे देख लेगी, अब क्या करूं? गहना तुम यहां क्या कर रही हो?
तुम्हारे बापू का घर है जो किसी भी दरवाजे में घुस जाती हो? नहीं नहीं, वो बात नहीं, यह कछु आवाजें आ रही थी तो देखने आए हम। वो सब हम देख लेंगे, तुम जाओ, ममता ढूंढ रही तुम्हें, उसे जाकर कपड़े देकर आओ। इन्वेस्टर्स आ गए हैं लेकिन मॉडल नहीं आया, बहुत परेशान है वो, चले जाओ। फिर गया ये? तू ढूंढो उसे, कहाँ गया वो? पकड़ो। मोहन, सर और मैम को नाश्ता सर्व करो। चाय नाश्ता होता रहेगा, आप प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। सर वो प्रेजेंटेशन थोड़ी लंबी है और आप लोग इतनी दूर से आए हैं तो पहले रिफ्रेशमेंट्स ले लीजिए, फिर प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। समझ नहीं आ रहा कि इतनी देर लग क्यों रही है, हमने आपके बारे में बहुत सुना था पर हमें नहीं पता था आप इतनी अनप्रोफेशनल है। एक तो लास्ट मूवमेंट पे वेन्यू चेंज करा दिया और ऊपर से ये देर पे देर, अगर डेडलाइन आपसे अचीव नहीं हो रही थी हम किसी कैपेबल इंसान को ये प्रोजेक्ट दे देते। ओ गॉड, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा डिले होने पर इतना गुस्सा कर रहे हैं, अगर इन्हें मॉडल के बारे में पता चला तब क्या होगा? अगर इन्हें ये पता चला कि मॉडल अभी तक नहीं आया है तो ये लोग मेरी डील कैंसिल कर देंगे। आखिर रह कहाँ गया वो मॉडल? ये रहे आपके कपड़े, पर आप परेशान क्यों हैं? हमने सुना वो आपका मॉडल नहीं आया। देख क्या पता कब से उसे फोन लगा रहे हो, फोन ही नहीं उठा रहे। अब बिना मॉडल के कपड़े दिखाएंगे तो पता नहीं ये प्रोजेक्ट मिलेगा भी या नहीं। आप ये कपड़े हमका दीजिए, हम कछु करते हैं, बस एक मिनट दे दीजिए हमका। पक्का ना? देखो अगर तुम नहीं आए ना तो उर्वशी मैम ना छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। बिल्कुल, हम यूं गए यूं आए। आ जाना टाइम से। चटपटी गोली खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। याद है गौरव, कैसे बचपन में स्कूल के बाहर किशन चाचा हम कई गोलियों के लिए आवाज दिया करते थे। हाँ, और हम उनकी ये गोली तो खाते थे पर पैसे नहीं देते। पैसे नहीं देते थे। बत्ती सी दिखाई दो अपनी। अच्छा गौरव, हमका ना तुम्हें कछु बताना था। क्या बताना है? ओ, हम तुम्हें ले जाएंगे। आओ, अपनी आंखें बंद करो। कहाँ लेकर जाओगी? आंखें बंद करो ना। अरे कहाँ जाना है गहना? अरे चलो गौरव। गहना ये कहाँ लेकर? यहाँ यहाँ, अपनी आंखें बंद रखो, बस यहाँ रुकना और जब तक हम ना कहे अपनी आंखें मत खोलना। अच्छा ठीक है। अब खोलो अपनी आंखें। शर्ट पहनने की औकात नहीं है तुम्हारे, और मेरा ये 50,000 का डिजाइनर कॉस्ट्यूम हाथ कैसे लगाया तुमने? गहना, ये उर्वशी मैडम का कपड़ा तुम क्यों ली हो? अरे रखो इसे, अगर उर्वशी मैडम को पता चल गया ना तो फिर से महायुद्ध छेड़ देंगी वो।
अरे कछु नहीं होगा, तुम पहनो इसे। गहना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी? अरे थोड़ी देर पहले हुआ कांड भूल गई हो क्या? वो पल तुम्हारी चाहत का था गौरव, और ये पल तुम्हारे सपनों के दस्तक की है। उर्वशी नेम साहब का मॉडल नहीं आया है, तुम ही कपड़ा पहनो, जल्दी से पहनो और बाहर जाओ, अपनी प्रतिभा दिखाओ गौरव। गहना तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? हमें कपड़े पहनना तो छोड़, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अरे पर काहे, भविष्य में तुम यही करना चाहते थे ना, मॉडल बनना था ना तुम्हें। अभी जब कुर्ता पहने थे ना तुम, तो तुम्हारी आंखों की चमक देखी थी हमने, वो चमक से पूरा कमरा चौंधिया गया था गौरव। तुम्हें देखकर हम समझ गए थे कि यही तुम्हारे दिल की चाहत है, और आज जब तुम्हारा वो सपना पूरा हो रहा है, किस्मत दरवाजे पर तिलक का थाल लेकर खड़ी है गौरव, और तुम्हें मुंह धोने जाना है। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं कहना, पर तुम उर्वशी मैडम को जानती नहीं हो। हमारे तुम्हारे जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है उनकी नजरों में। अगर उन्हें पता चला ना कि हमने इस कपड़े को हाथ भी लगाया है, तो पूरे घर को आग लगा देंगी वो। गौरव, इतना काहे डर रहे हो? अरे गौरव, भरोसा रखो ना हम पे। गौरव देखो, अपने डर को नहीं, अपने जुनून को अहमियत दो। वो लोग जो उर्वशी मैम साहब को मिलने आए हैं ना, वो बहुत बड़े लोग हैं। एक बार अगर उन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया ना, तो मैम साहब भी कछु नहीं बोल पाएंगे। पैसे कमाने हैं ना, अपना सपना पूरा करना है ना, तो अपनी जिम्मेदारियों की तरफ एक कदम बढ़ा के तो देखो। गौरव, हम आज ही महादेव से प्रार्थना किए थे कि वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दे, तुम्हें रास्ता बता दे गौरव, और देखो आज का गजब ढा दिए हैं महादेव, तुम्हारे सारे रास्ते खोल दिए हैं उन्होंने। बस कहना, तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन हम नहीं मानने वाले। अरे हमें मॉडल बनना जरूर है, अपने सपने जरूर पूरे करने, पर अपने सपनों की उड़ान की नींव हम अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं रख सकते। महादेव ने चाहा तो ऐसा मौका हमें फिर मिल जाएगा, पर इन कपड़ों को पहनने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लगता है गौरव ऐसे नहीं मानेगा, अब हमें हुक्म का एक कार चलाना ही पड़ेगा। तुम्हें ना बड़ी बड़ी बातें करनी आती है, क्या बोल रहे थे तुम हमका? गांव के कुएं के मेंढक की तरह नहीं बनना है हमें, लेकिन हो तो तुम वही के वही ना, सपने पूरे करने की हिम्मत नहीं है तुम्हें। कहना हमें मॉडल बनना है, पर ऐसे मॉडल नहीं बनना है हमें। तुम तो वैसे भी कोनो मॉडल नहीं बन सकते, और अगर हम ठान ले ना तो मिस्टर पटना भी बन सकते हैं, और मिस्टर पटना ही क्या, हम मिस्टर इंडिया भी बन सकते हैं। अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।